नमस्कार दोस्तों, डी क्रिकेट इन्फो की एक और वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जो कि हमारी पांचवी टीम है आरआर की, उनके टारगेटेड प्लेयर की। अगर हम देखें तो आरआर को ज़्यादा प्लेयरों की जरूरत भी नहीं है। जी हाँ, फिक्स उनकी प्लेइंग 11 है, पिछले साल की फाइनलिस्ट टीम है। अगर मेरी माने तो ये आईपीएल 2022 की सबसे बैलेंस टीम मुझे लगी थी। जी हाँ, एक्सपर्ट का भी यही मानना था कि आरआर की टीम सबसे बैलेंस है। और अगर आप देखें तो आईपीएल 2022 में गुजरात जरूर जीती है, लेकिन मुझे लगता है इससे बेटर टीम गुजरात भी नहीं है। जी हाँ, क्योंकि अगर आप देखें सभी ऑप्शन में ये टीम आगे हैं। जी हाँ, कैप्टनसी संजू सैमसन करते हैं और काफ़ी एक्सपीरियंस हो गए हैं अब तो। अब आप ऊपर ओपनर देखें कमाल के हैं, नीचे बॉलिंग यूनिट तो बात करनी ही बेकार है। इतनी बढ़िया है बॉलिंग यूनिट कि किसी भी टीम को हरा सकती है। अगर हम बात करें कि किन्हें ये टारगेट करेगी तो नंबर 10 पर मुझे लगता है मारकंडे का नाम आना चाहिए। जी हाँ, मारकंडे को इस बार डिमांड करी जा रही है कि मारकंडे बिकेंगे और मुझे लगता है आरआर भी जा सकती है। अगर आप देखें तो मेन स्पिनर तो प्लेइंग 11 में डालने के लिए ये स्पिनर नहीं ढूंढ रही है, ये बैकअप रखने के लिए एक स्पिनर ढूंढ रही है। जी हाँ, केएस गोपाल भी उसका पार्ट है, मयंक मारकंडे भी उसका पार्ट है। तो एक बैकअप प्लेयर के रूप में ये देखेगी ये टीम कि किसे लेना है। और मुझे लगता है मयंक मारकंडे के पीछे भी जा सकती है, केएस गोपाल के भी पीछे जा सकती है, क्योंकि ये दोनों ही अगर आप देखें तो आरआर के लिए खेले जा चुके हैं पहले भी, लेकिन इन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया था और फिर बाद में ये किसी और टीम में खेले, लेकिन आरआर का में ये खेले जाने के चांसेस इनके ज़्यादा हैं। तो देखते हैं दोस्तों कि आरआर की टीम इन्हें खरीदेगी या फिर नहीं खरीदेगी। अगर हम आगे बात करें तो पीयूष चावला, जी हाँ, अगर आपको यंगस्टर चाहिए तो जो दो नाम मैंने आपको बताया मयंक मारकंडे और श्रेयस गोपाल हैं, और अगर आप एक्सपीरियंस पाएंगे तो पीयूष चावला का नाम भी आ सकता है उस लिस्ट में। जी हाँ, पीयूष चावला को भी ऐड कर सकती है राजस्थान रॉयल्स की टीम अगर उन्हें थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिएगा। लेकिन स्पिनर है तो शायद एक ही स्पिनर वो लेंगे और वो देखने वाली बात होगी वो किसके पीछे जाएगी आरआर की टीम। जी हाँ, पीयूष चावला अगर आपको बता दें पिछले साल अनसोल्ड रहे थे, लेकिन इस बार बिकने की उम्मीद ज़्यादा है क्योंकि जो आईपीएल है वो होम और अवे फॉर्मेट में हो रहा है, तो चेन्नई की पिच को भी ध्यान रखना पड़ेगा बाकी टीमों को, और जो बाकी पिच है उसे भी ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि आपको पता है चेन्नई की पिच कितनी घुमावदार पिच है, वहाँ पर स्पिनर्स ही चलते हैं। अगर हम आगे बात करें तो सनवीर सिंह, जी हाँ, ये एक ऐसा नाम निकल के आ रहा है डोमेस्टिक से कि आरआर की टीम इनके पीछे जा सकती है, क्योंकि आपको पता है आरआर की टीम यंगस्टर में कितना निवेश करती है। और सनवीर सिंह एक ऑलराउंडर है, आपको पता है जिमी निशम और डेरियल मिचेल को बाहर का रास्ता दिखाया गया था इस साल रिटेन लिस्ट से, तो सनवीर सिंह की जो डिमांड है वो आरआर टीम में और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो देखते हैं दोस्तों सनवीर सिंह को ये टीम खरीदती है या नहीं। सनवीर सिंह के बारे में अगर मैं बता दूँ तो ये बैट्समैन भी है और बॉलिंग भी करते हैं राइट आर्म मीडियम की। तो अब देखने वाली बात है कि राजस्थान रॉयल्स की ये टीम इन्हें खरीदती है या फिर नहीं, और खरीदती है तो कितने में खरीद पाएगी, क्योंकि 13 करोड़ का ही पर्स बाकी है और 9 स्लॉट खाली हैं, तो क्या उस स्लॉट में ये आएंगे। और अगर आप देखें तो ओवरसीज ऑलराउंडर के ऑप्शन क्या है, एडम मिलने हैं, लेकिन एडम मिलने को क्या चेन्नई सुपर किंग जाने देगी। जी हाँ, चेन्नई सुपर किंग के पास 20 करोड़ का पर्स है, लेकिन एडम मिलने इतने महंगे नहीं बिकेंगे, 4 से 5 करोड़ हाईएस्ट अमाउंट जाएगी एडम मिलने के लिए। तो क्या ये टीम में पीछे पड़ेंगी या क्या राजस्थान रॉयल्स की टीम एडम मिलने के पीछे भी जाएगी, क्योंकि देखिए कोई भी टीम अपने कोर को ऐसे नहीं छोड़ती है, ऑक्शन में भी नहीं छोड़ती है। तो जिमी निशम और डेरिल मिचेल को राजस्थान रॉयल्स की टीम कैसे छोड़ देगी। तो अब ये देखने वाली बात होगी क्या एडम मिलने से बेटर ऑप्शन आरआर के पास है या फिर वो जिमी निशम के पीछे ही जाएंगी, ये देखने वाली बात है। और अगर हम अगले जो हमारा बैट्समैन है उसकी बात करें और तो संजू सैमसन, दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि संजू सैमसन एक बेटर ऑप्शन है कैप्टनसी के लिए या फिर जोस बटलर, या प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नंबर 5 की बात करें तो रिले रूसो आते हैं, मुझे लगता है रिले रूसो के पीछे भी ये टीम भाग सकती है क्योंकि 3 ओवरसीज के स्लॉट भरने हैं और 3 में से एक ओवरसीज बैट्समैन एज अ बैकअप चाहिएगा क्योंकि ऊपर बैट्समैन की जरूरत ही नहीं है। अगर आप प्लेइंग 11 देखें तो ऑक्शन में प्लेइंग 11 का एक भी प्लेयर अंदर नहीं जाएगा। जी हाँ, ये मुझे लगता है क्योंकि 11 के 11 खिलाड़ी तैयार हैं। अगर आप अभी इनकी प्लेइंग 11 बनाएं तो ये सबसे
अच्छी टीम बनेगी प्लेइंग 11 के हिसाब से। रिले रूसो एज अ बैकअप बैट्समैन लिए जाएंगे कि किसी प्लेयर को इंजरी हो गई या वो टूर्नामेंट से बाहर हो गए तो ये आ सकते हैं उसकी जगह। रिले रूसो का आपने नाम सुना होगा, साउथ अफ्रीका के लिए क्रिकेट खेलते हैं और अभी हालिया फॉर्म आपने देखा कितना अच्छा है। और नंबर 4 निकोलस पूरन, मुझे लगता है निकोलस पूरन के पीछे भी ये टीम जा सकती है, लेकिन प्लेइंग 11 में जगह बनेगी या फिर नहीं क्योंकि ये मुश्किल है, क्योंकि ऊपर आप देखें 2 विकेट कीपर मौजूद हैं संजू सैमसन जोश बटलर, और दोनों ही एकदम तगड़े फॉर्म में थे पिछले साल। अगर आप देखें तो संजू सैमसन की टीम फाइनल खेल के आई है और उसमें सबसे बड़ा हाथ जोश बटलर का था। जी हाँ, तो अभी देखने वाली बात है कि निकोलस पूरन को, मुझे लगता है इस साल निकोलस पूरन बिक तो जाएंगे लेकिन 10 करोड़ जैसी अमाउंट इस साल इन्हें मिलना लगभग नामुमकिन है। अगर ये कोई करिश्मा कर देते हैं आईपीएल से पहले तो अलग बात है, लेकिन अगर ऐसे ही फॉर्म रही जैसी इनकी है तो अभी तो बिकना मुश्किल है। लेकिन निकोलस पूरन को टीम खरीद लेगी ये बात है, लेकिन आरआर जाएगी या फिर नहीं ये देखने वाली बात होगी। नंबर 3 मुझे लगता है जो डेरियल मिचेल हैं इन्हें भी टीम आरआर की खरीद सकती है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कोई भी टीम अपने कोर को ऐसे ही नहीं जाने देगी। तो डेरियल मिचेल भी, पिछले साल भी डेरियल मिचेल को ज़्यादा मौके नहीं मिले थे क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि इनकी प्लेइंग 11 एक एक प्लेयर बिल्कुल स्थित है उस प्लेइंग 11 में तो ये हिला नहीं सकते उसे, तो डेरियल मिचेल को मौका भी नहीं मिला था। और इस साल भी अगर ये आए फिर भी मौका मुझे नहीं मिलता कि मिलेगा, क्योंकि अगर आप इनके 4 ओवरसीज प्लेयर देखें तो आपको पता है ओबेड मुकोई नीचे खेलते हैं, टेरेंट बोल्ट पक्का खेलते हैं और जोश बटलर हाई ऊपर, और नंबर 4 सिमरन हिटमायर, तो इन चारों के को में से आप किसे हटाएंगे? तो एक को भी अगर आप हटाएंगे तो पूरा टीम का बैलेंस जाता है, इसलिए मुझे लगता है डेरियल मिचेल भी अगर खरीदे भी जाएंगे तो बेंच पर ही आपको ज़्यादा टाइम दिखेंगे। और ऐसे ही है जिमी निशम, मुझे लगता है डेरियल मिचेल से ज़्यादा अगर इनमें से एक चूज़ करना होगा तो मुझे लगता है जिमी निशम को टीम चूज़ करेगी। जिमी निशम एक बड़ा नाम, लेकिन अगर ये किसी आरआर भी नहीं खरीदती है तो ये किसी भी ना किसी टीम में भी जा सकते हैं। जिमी निशम को भी टीम खरीद सकती है, डेरियल मिचेल के पीछे भी जा सकती है, काफ़ी ओवरसीज ऑलराउंडर के ऑप्शन है आरआर के पास। लेकिन क्या जिमी निशम के ऊपर निवेश करेगी? पिछले साल भी सही अगर आप दाम करें तो बिक गए थे, और इस साल आरआर को क्या उम्मीद है कि ये और सस्ते में मिल सकते हैं या फिर छोड़े ही गए हैं बिल्कुल? अब ये देखना पड़ेगा ऑक्शन टेबल पे आरआर की क्या सोच होगी इनको लेकर या बाकी खिलाड़ियों को लेकर। और अगर आप नंबर 1 खिलाड़ी की बात करें, जो मुझे लगता है कि अगर आरआर की टीम अब बहुत मुश्किल है 95% तो ना ही है कि बेन स्टोक को खरीद ले। जी हाँ, 13 करोड़ का पर्स बाकी है, 9 खिलाड़ी भरने हैं और 9 में से आपको 18 तो कम से कम चाहिए ही चाहिए, तो कम से कम 2 खिलाड़ी भी अगर ये टीम ले तो 1 खिलाड़ी तो आराम से मिल जाएगा, लेकिन बेन स्टोक क्या 11 से 12 करोड़ में मिल जाएंगे? ये बड़ी बात होगी सोचने वाली, और मुझे नहीं लगता कि बेन स्टोक 11 से 12 करोड़ में मिल जाएंगे। तो और दोस्तों मुझे नहीं लगता कि बेन स्टोक को आरआर की टीम खरीदना भी चाहेगी, क्योंकि अभी उनकी जगह भी नहीं बन रही है आरआर में। लेकिन कुछ भी हो सकता है दोस्तों ऑक्शन टेबल में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और प्लीज़ कमेंट में अपने जो आरआर के टारगेटेड प्लेयर हैं उनके बारे में बताइएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ नाइस डे। और दोस्तों जो हमारी बाकी 4 वीडियो हैं, मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स, रॉयल चैलेंजर बैंगलोर और लखनऊ सुपर जायंट की भी जो हमारी वीडियो है वो आ चुकी है, आप प्लीज़ उसे भी जाके देखिएगा। और जो हमारी 5 टीमें बाकी रह गई है उनकी भी वीडियो आ जाएगी जल्दी ही। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।